जन कल्याण करना है, जैसा समिति के नाम से विदित है, जय श्री राम जनमानस कल्याण समिति। जन कल्याण के कार्य जो संपूर्ण होते हैं संगीत में सुंदरकांड पाठ जो हमारे समिति के सदस्य निःशुल्क करते हैं, जिसमें जो भी समिति के सदस्य पाठ में सम्मिलित होते हैं वो इस पाठ से एक भी पैसा नहीं कमाते, निःशुल्क सेवा करते हैं। हमारे समिति संगीत में सुंदरकांड पाठ के केवल गाड़ी म्यूजिशियन और साउंड का किराया ही लेती है, इसके अलावा जो भी राशि हमें बचती है वो जन कल्याण के कार्यों में सनातन धर्म के उत्थान में हम लोग लगाते हैं। हर वर्ष हमारी समिति सालासर खाटू श्याम जी और श्री मेहंदीपुर धाम की पैदल यात्रा भी करती है, जो धर्म के पथ पर हमारा एक कदम है, जिससे रास्ते में मिलने वाले जनमानस प्रभावित होकर हमारे साथ सम्मिलित होते हैं। इस वर्ष 2021 में पहली बार हमारी जो यात्रा है 24 फरवरी को दिल्ली से अयोध्या तक की यात्रा होगी, और आप सभी यदि इस यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी हमारे चैनल को जिसका नाम ओम श्री सद्गुरु चैनल है यूट्यूब पे उसे सब्सक्राइब करें और जन कल्याण के कार्यों में भागीदार बनें। मेरा आपसे पुनः अनुरोध कि हमारे जय श्री राम जनमानस कल्याण समिति के चैनल ओम श्री सद्गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे शेयर और लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक जो हमारे कार्यकलाप हैं, जैसे इन दिनों प्रभु श्री राम जी की लीला का आयोजन न्यू पुलिस लाइन किंग्स वे कैंप में हो रहा है, जिसका सीधा प्रसारण रात्रि 8 बजे से प्रभु इच्छा तक चलता है, तो पुनः आप सभी से अनुरोध कि आप भी समिति के सदस्य बने, जिसमें कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क सदस्यता है। जय श्री राम, जय माता की, ओम सद्गुरु श्री हनुमते नमः।
जी गणेश नु मनाइए सारे कम रास होणगे
ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा ओम श्री गुरुदेवाय नमः ओम श्री गुरुदेवाय नमः प्रथम देव गुरुदेव जगत और न दूजो देव दौड़ी प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देव गुरु पूजा सब देवन पूजा गुरु सेवा सब सेवा प्रथम देव गुरुदेव जगत में प्रथम देव गुरुदेव जगत में प्रथम देव गुरुदेव जगत गुरु मंत्र गुरुतन गुरु मंत्र गुरुतन हेलो एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे बोल गजानन गणपति महाराज की तो लीजिए जय श्री राम जनमानस कल्याण समिति की ओर से श्री रामलीला का दूसरा दिन और दूसरा दिन की भी आज शुरुआत हो चुकी है भगवान श्री गणेश जी की वंदना के साथ इस कलयुग में जो देवों के देव हनुमान जी हैं उनकी वंदना के साथ श्री रामलीला का प्रारंभ हो चुका है और पंडाल में सभी आए हुए भक्तगणों का मैं प्रकाश सिंह मेहरा अपनी ओर से हमारे प्रधान श्री प्रवीण सेतिया की जी की ओर से हमारे अध्यक्ष श्री सूर्यकांत जी की ओर से और इस पूरे पंडाल को ना केवल इस पूरी श्री रामलीला को जिनके कहिए कि इस पूरी लीला को करने का जितना भी श्रेय जाए उनके बारे में जितना कहा जाए वह भी कम है वह है हमारे बड़े भाई हमारे प्रेरणा स्रोत श्री जगत प्रकाश जी जी हाँ उनके ही आशीष वचनों के द्वारा व उनके दिखाए गए मार्ग दर्शनों के द्वारा ही आज इतना भव्य पंडाल जो कि YouTube के माध्यम से भी आप अपने घरों में और जहां भी आप हैं वहां पर YouTube के माध्यम से आप हमारी लीला को देख सकते हैं और साथ ही हमारे बीच गुरु
गुरु इष्ट गुरु मंत्र देवता गुरु सकल संसार गुरु मंत्र गुरु तंत्र गुरु है गुरु मंत्र गुरु तंत्र गुरु है गुरु सकल हे भगवान क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है कि मैं इस संसार से निसंतान वापस जाऊं क्या क्या वन समाप्ति का कलंक मेरे ही माथे लगना था मेरे मेरे राज्य भंडार में तो किसी चीज की कमी नहीं है चमकता था जगत में आज तक भूषण रघुकुल का बना अफसोस नहीं आज नाश रघुकुल का गुरु गृह अब मुझे गुरु गृह गाओ तुरत गुरु गृह गुरु गृह गयो तुरत मई गुरु गृह गयो तुरत मई गुरुदेव चरण लाग कर विनय गुरुदेव मैं अभी आप ही के पास आ रहा था कहो राजन क्या कारण है आपके चेहरे पर ये उदासी गुरुदेव मेरे पास विधाता का दिया सब कुछ है धन संपत्ति सब कुछ है जिसे देखो वह मेरे ऐशो आराम के लिए मरता है किंतु गुरुदेव मुझ पर एक बहुत ही बड़ा संकट है मुझे
गुरुदेव आप तो जानते ही हैं, मैं अभी तक निसंतान हूं, जबकि मैं अपने चौथेपन में आ चुका हूं। मेरी आयु की सीमा भी निकट आ रही है। अभी तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। क्या गुरुदेव, क्या मेरे ही माथे पर, क्या मेरे ही साथ रघुकुल का अंत हो जाएगा? धीरज रखो राजन, राजन धीरज रखो राजन। इस तरह से आशा नहीं छोड़नी चाहिए। मेरा मानना है यदि आप पुत्रेश यज्ञ कराए तो अवश्य ही आपको संतान की प्राप्ति हो, और इसके लिए आप श्रृंगी ऋषि को बुलाकर और अनेक धनी मुनि ऋषि को बुलाकर दिल खोलकर दान कीजिए। धन्य हो महाराज, आप धन्य हो। मैं यज्ञ की तैयारी करवाता हूँ और मंत्री जी से कहता हूँ कि वह रिंग ऋषि जी को लेकर जल्द ही अयोध्या आए। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ भुलावा, वशिष्ठ भुलावा पुत्र काम शुभ सिंगिर सिहि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ जग करावा। सिंगिर सिहि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम एक बार जोरदार जयकारा बोल गजानंद गणपति महाराज की। तो अभी आपने देखा कि महाराज सूर्यवंशी दशरथ जी की चौथी अवस्था आ चुकी है और उनको ये चिंता सताई जा रही है कि उनको अभी तक कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, इस कारण वे श्रृंग ऋषि जी के आश्रम में जाते हैं और आगे का बहुत ही सुंदर दृश्य जय श्री राम जनमानस कल्याण समिति आपके सम्मुख प्रस्तुत करेगी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे बीच बड़ी दूर मिथिला से हमारे व्यास अनिल झा जी आए हैं, जो अपने सुंदर सुंदर संगीतमय मधुर वाणी से पूरा पंडाल न केवल पूरी पुलिस लाइन को सुंदर सुंदर अपने मुखात बिंदु से इतना सुंदर सुंदर भजन हमें सुना रहे हैं। मैं स्वामी अपने आचार्य अनिल झा जी का समस्त पुलिस लाइन व समस्त पदाधिकारियों की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही हमारे म्यूजिक डायरेक्टर जैक्सन जी व उनके साथ पैड पर टीटू भाई साहब, जो सुंदर सुंदर ध्वनि के द्वारा हमारा मन मोह ले रहे हैं। और साथ ही जो आपको और हमारे घरों में बैठे हमारी जितने भी बुजुर्ग माताएं, हमारे दोस्त जो कहीं अपनी ड्यूटी बंदोबस्त पर YouTube के माध्यम से जय श्री राम जनमानस कल्याण समिति की जो एच ब्लॉक मध्य क्षेत्र में भगवान श्री राम जी की लीला हो रही है, उसको YouTube के माध्यम से कैमरे के द्वारा जो हमारे पंडाल में हैं हमारे राजू भाई और उनके साथ उनके सहयोगी अनिल जी का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वे हमारे बीच हैं। उनके लिए भी समस्त पुलिस लाइन वासियों की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। साथ ही बड़ा ही सुंदर पंडाल और ये बहुत ही सुंदर जो चारों तरफ टीन की व्यवस्था व पूरा पंडाल व माता का भवन, हमारे जो टेंट वाले भाई साहब हैं
मिंटू टेंट वाले भाई साहब, उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और साथ ही जो मेरे हाथ में माइक है, वह आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। हमारे साउंड वाले भैया नरेंद्र जी का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे बीच पर है। और साथ ही दिल्ली नागरिक सुरक्षा से हमारे सहयोगी जो आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा SDM ऑफिस से जो हमारे यहाँ नोडल अफसर आए हैं। भैया जी का नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उनका भी अपनी लीला की ओर से उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो पंडाल में बैठे भक्तगण हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि अपना मास्क सुनिश्चित ढंग से अपने नाक के यहाँ तक, आंखों के नीचे और नाक से थोड़ा सा ऊपर प्रॉपर ढंग से, यानी कि सुनिश्चित ढंग से पहन के रखें। और साथ ही जो पंडाल में बच्चे आए हैं, जो उनके साथ हमारी माताएं बहनें या हमारे दोस्त आए हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि बच्चों को किसी भी वस्तु को हाथ ना लगाने दें और उनको बच्चों को संभाल कर रखें। तो लीजिए लीला का अगला दृश्य बिल्कुल तैयार, जहां पर सूर्यवंशी महाराज दशरथ श्रृंग ऋषि जी के आश्रम में जाकर यज्ञ करते हैं और यज्ञ के द्वारा उनके यज्ञ के प्रसाद के स्वरूप महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों को प्रसाद खिलाते हैं। और उसके बाद का अगला दृश्य बहुत ही सुंदर दृश्य, जय श्री राम जनमानस कल्याण समिति की ओर से आज एस ब्लॉक मध्य क्षेत्र में आपको दिखाया जा रहा है। साथ ही पंडाल में बैठे भक्तगणों से अनुरोध करूंगा, जो अपना मास्क किसी कारण घर भूल चुके हैं, तो सामने हमारे प्रधान श्री प्रवीण सेतिया जी हैं, उनसे मास्क ले लें। अगर कोई सैनिटाइजर अपने घर भूल गया है, तो हमारे प्रधान श्री प्रवीण सेतिया जी से सैनिटाइजर भी ले सकते हैं। और अनुरोध करूंगा, ये जो सामने मेरे सीधे हाथ की तरफ व सामने की तरफ जो गेट है, ये सिर्फ बाहर जाने के लिए रखा गया है, क्योंकि मुख्य द्वार पर सैनिटाइजर की मशीन रखी गई है, जिससे कि आप पूर्ण रूप से सैनिटाइज होकर पंडाल में आ सकते हैं। तो सबसे अनुरोध करूंगा कि आने के लिए कृपया मुख्य द्वार का ही इस्तेमाल करें। यह मशीन हमें हमारे किंजो कैंप में लक्ष्मी डेयरी जिनकी है, श्री अत्तरपाल जी के सहयोग से यह मशीन हमें 10 दिनों के लिए उन्होंने हमें भेंट की है। मैं श्री अत्तरपाल सिंह जी का भी अपने लीला के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि मैं बता रहा था, इस वर्ष की हमारी जो लीला है पूर्ण रूप से डिजिटल है। जी हाँ, पूर्ण रूप से डिजिटल है। और यह डिजिटल करने का श्रेय, सारा का श्रेय हमारे बड़े भाई श्री जगत प्रकाश जी का है। जी हाँ, पूर्ण रूप से जो हमारी लीला डिजिटल है, यह लीला डिजिटल करने का पूरा श्रेय हमारे बड़े भाई श्री जगत प्रकाश जी का ही है। उनके सहयोग से ही, उनके आशीर्वाद से ही और उनके बहुत ज़्यादा परिश्रम के द्वारा ही हमारी लीला आज पूर्ण रूप से डिजिटल हो चुकी है। और जहाँ पर भी कोई हमारा प्रेमी होगा या श्री राम जी का प्रेमी होगा, वह कहीं से भी हमारी लीला का अवलोकन कर सकता है। तो लीजिए लीला का अगला दृश्य बिल्कुल तैयार, एक बार जोरदार जयकारा, बोल गजानंद गणपति महाराज की। श्रृंगीर से ही वशिष्ठ गुलाब, श्रृंगीर से ही वशिष्ठ गुलाब, पुत्र कम शुभ जग कराब, पुत्र कम शुभ जग कराब, गिर सी वशिष्ठ बुलाब, सिंगीर सी वशिष्ठ बुलाब। Thank you.
मानव जीवन में अगर मनुष्य के कार्य में किसी प्रकार की विघटन हो तो यह हमारा आपका कर्तव्य बनता है जो उस विघटन को लेकर के उस समस्या को लेकर के सदगुरु के पास जाए। राजा दशरथ जी भी यही किए और उन्होंने जाकर के सबसे पहले अपने गुरु को दुख बताए। सुख दुख निज दुख सुख ताप गुरु ही सुनाए। भगति सहित मुनि आहूति दिल्हि प्रकट अग्न चरु कर लिल्हि। सहित मुनि आहूति दिल्हि प्रकट अग्न चरु कर लिल्हि। चरणों में महाराज दशरथ का प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपके पास बड़ी आशा से आया हूं। कहो पुत्र, क्या कहना चाहते हो? गुरुदेव, मेरी चौथी अवस्था आ चुकी है और मैं अभी तक निसंतान हूं। आपसे मेरी कृपा है, कृपया मेरे लिए पुत्रोष्ट यज्ञ कर दीजिए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति होगी। अवश्य। गुरु वाहन ध्यान गुरु है। अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये इदं मम। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदं नमः। ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्योर्ज्योतिः स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतुः स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम् अग्नये प्राणाय इदं नमः। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं नमः।
ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदम् आदित्याय व्यानाय इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदम् अग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः ॐ आपो ज्योतिरसो मृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यामि धाम देवगणः पितरश्चोपासते दया मामद्य गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई जो जीव बिरंचि समहु। बिना गुरु के कृपा से मानव जीवन सुदृढ़ हो नहीं सकता है। और राजा दशरथ जी यही विचार करके गुरु जी के पास गए और गुरु जी ने सिंगी ऋषि को बुला करके पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवाया। इस रामलीला को देखने के बाद यह मानव जीवन में एक सूत्र धारण करना है हम सबको, जब कभी भी किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति आए तो उस समय सद्गुरु देव को ही याद करना चाहिए। बिनु गुरु जप तप ध्यान व्यर्थ बत सदा गुरु पर सदगुरु बद बचन सदगुरु वेद वचन विश्वास इहान संजम विषय के आता इहान संजम विषय। एक बार जोरदार जयकारा। एक बार जोरदार जयकारा बोल गजानन गणपति महाराज की। अभी हमारे व्यास जी ने बताया गुरुवन ज्ञान नहीं, बहुत ही सुंदर वचन इनके मुखात बिंदु से निकले कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, क्योंकि ये संसार सारा ही गुरु जी का दिया हुआ। और जो कहते हैं ना, जो लेने वाला होता है वो चरणों में बैठा होता है, जिस प्रकार हमारे इस कलयुग के सबके आराध्य हनुमान जी। जी हाँ, हमारे सबके आराध्य हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं उनके चरणों में बैठे हैं। यही बात हमारे अनिल झा जी के मुखात बिंदु से निकली कि गुरु बिन ज्ञान नहीं। बड़ी सुंदर वाणी और बड़े ही सुंदर वचन व्यास जी ने कहे। तो लीजिए अगला दृश्य बिल्कुल तैयार, सिंह ऋषि जी द्वारा महाराज सूर्यवंशी अयोध्या नरेश दशरथ जी का यज्ञ संपूर्ण हुआ है और उन्होंने अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी को फल दिया और वह फल लेकर दशरथ जी अपने महल अयोध्या जाते हैं और अपनी
तीनों रानियों को दे देते हैं। यह दृश्य बड़ा ही सुंदर और डिजिटल, जी हाँ सुंदर और डिजिटल, यह दृश्य जय श्री राम जनमानस कल्याण समिति द्वारा आपके सम्मुख दिखाया जा रहा है। तो लीजिए दृश्य बिल्कुल तैयार, एक बार जोरदार जयकारा, बोल गणपति महाराज की। भगत सहित मुनि आहुति दिन ही, भगत सहित मुनि आहुति दिन, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित जो बसीर, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, हाथ काज तुम्हारा, काज तुम्हारा। रानी कह गई, जैसे कि तुम जानती हो पुत्रष्ट यज्ञ संपूर्ण हो गया है और गुरुदेव ने यह प्रसाद दिया है, आप लोग इसे ग्रहण करो। लो रानी के कई, लो कौशल्य। यह भी बाटे देहुनी बजाई, जोगी जे ही भाग बना, तब ही राया नारी, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि आदि चलियाई, अर्ध भाग कौशल्य ही दिल ना उभे, भागते ही उभे कर सो अभय भगत सदगुरु श्री हनुमते नमः, जय श्री राम। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोल विष्णु भगवान की। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि
जय श्री राम जनमानस कल्याण समिति की ओर से श्री रामलीला महोत्सव 2020 इस पार्क में कोविड-19 के चलते मनाया जा रहा है। संपूर्ण दिल्ली में जहां पर लगभग 5000 रामलीला छोटी बड़ी रामलीलाएं हुआ करती थी और आज के समय में केवल 6 या 7 रामलीलाएं हो रही है और उनमें हम सभी सौभाग्यशाली कि हम सभी यहां पर प्रभु श्री राम जी की लीला का मंचन कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जब कोरोना महामारी प्रारंभ हुई थी तो इस समिति के सदस्यों ने लगभग 50 दिनों तक रोजाना 1500 जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था की थी और उसमें जो हमारे सहयोगकर्ता थे उनका भी यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। अभी जो हमारे बाहर के आए अतिथि हैं, बाहर से आए हुए अतिथि जो हमारे समिति से जुड़े हैं, बाहर से नहीं कहूँगा कि मेरी बड़ी दीदी, मेरी छोटी दीदी शीला और उनके बेटे प्रशांत, उनकी प्रशांत की धर्मपत्नी पूजा, वो मंच पर आ जाए। बीना दीदी और प्रकाश की माता जी आप भी आगे आ जाए, आ जाओ सविता, आ जाओ ऊपर, आ जाओ। ये मेरे दीदी जो भजनपुरा में रहते हैं, भजनपुरा से श्री रामला का अवलोकन करने के लिए आए हैं और मैंने विशेषकर इनसे कहा था कि वो आए क्योंकि जब हम जरूरतमंदों के लिए भोजन व्यवस्था कर रहे थे तो 11,000 रुपये मेरे भांजे ने उस समय सहयोग किया और इस श्री रामलीला में 5100 रुपये का सहयोग वो कर रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारी प्रकाश मेहरा जी की माता जी से, प्रकाश मेहरा, प्रताप मेहरा जी, इनके पिता का नाम सभी जानते हैं, ये पूरा परिवार प्रताप मेहरा जी से लेके उनकी नातिन तक ये जो भी कार्यक्रम होता है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं, हर काम में तैयार रहते हैं, छोटे से छोटे सफाई से लेकर बर्तन मांजने तक, भंडारे की जो भी सेवा होती है। तो प्रताप मेहरा जी की धर्मपत्नी ये भेंट करेंगी मेरी बड़ी दीदी को, प्रशांत हाँ, और पूजा उनकी वो, एक बार ताली बजा दीजिए। बीना दीदी ये जो हमारे सोन सिंह जी हैं उनकी धर्मपत्नी है, ये पटका उड़ाकर उनका सम्मान करेंगे, पूजा हाँ दोनों को, पूजा को भी। जब भी कोई कार्यक्रम होता है भंडारे इत्यादि का या हमारी बसें जाती है, हर महीने सिलेंडर की सेवा सोन सिंह जी की तरफ से दी जाती है, तो मैं आभारी हूँ, आभार करूँ अपनी दीदी है तो आभार नहीं करूँगा क्योंकि इनका सहयोग प्राप्त होता रहता है। तो लीला का अवलोकन आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम सभी दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी के प्यार आशीर्वाद से, आप सभी का प्यार आशीर्वाद हम पर यूं ही बना रहे और हम यूं ही वर्ष दर वर्ष आगे बढ़ते रहे और दिल्ली की चुनिंदा श्री रामलीलाओं में अभी तो हम हैं ही, अभी तो आप सभी के प्यार सहयोग आशीर्वाद से हम हैं ही, पूरी दिल्ली में चर्चा है, जहाँ तक लाइव टेलीकास्ट दुनिया भर में यूट्यूब के माध्यम से हो रहा है, एक दिन में ही लगभग 1500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, दर्शक इसको देख रहे हैं और ये चैनल आगे बढ़ रहा है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे, आप इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा, धन्यवाद। धन्यवाद मंच पर आए हुए हमारी दीदी का और उनके साथ आए उनके परिवार का, हम तहे दिल से समस्त पुलिस लाइन निवासी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई
जगत प्रकाश जी कह रहे थे कि हमने लॉकडाउन के दौरान, जिस दिन लॉकडाउन लगा उसी दिन से 51 दिन तक लगातार दोनों समय जरूरतमंदों को दोनों समय का भोजन इन्हीं सभी सहयोगकर्ताओं की सहयोग के द्वारा और प्रभु की इच्छा से उन तक पहुंचा। यह ना केवल हमारे पुलिस लाइन तक ही सीमित था, अपितु दिल्ली का इस तरफ बॉर्डर पड़ता नरेला और इधर लोनी और उधर साउथ का, वहां तक भी हमारा दिन प्रतिदिन भोजन दोनों समय का इन सभी सहयोगकर्ताओं के द्वारा ही जाता था। चाहे इनका सहयोग हमें अपने घर से बनाए हुए भोजन के द्वारा हो, या जैसे कि हमारे प्रवीण सेठिया जी जिन्होंने अपनी नई की नई गाड़ी जो मात्र 20,000 किलोमीटर भी शायद नहीं चली थी, उन्होंने अपनी 15 लाख की गाड़ी हमारी समिति को दी कि इसमें इस मेरी गाड़ी में अपना भोजन ले जाओ, जरूरतमंदों तक मेरी गाड़ी से अपना भोजन पहुंचाओ। ऐसे ही हमारे सरदार जी जो कल मंच पर थे, श्री परम आनंद सिंह जी, उन्होंने भी अपनी दो गाड़ियां जो बिल्कुल नई थी वे दोनों ही गाड़ियां हमारी कमेटी को दी कि मेरी गाड़ी से भी आप आजादपुर मंडी से हो, चाहे शक्ति नगर से हो, चाहे तेल हो, दाल हो, सब्जी हो, मेरी गाड़ियों से आप कमेटी की सेवा कीजिए और जरूरतमंदों तक भोजन हो, पानी हो। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन के दौरान जो हमारे गरीब परिवार थे उनको किस तरह दिल्ली छोड़कर अपने अपने राज्यों में अपने अपने घरों में जाने पर वो विवश हो गए, तो हमारी कमेटी ने दिन प्रतिदिन और यहाँ तक भी नहीं, नव भारत टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया और दिल्ली सरकार के द्वारा भी हमारी कमेटी को पुरस्कृत किया गया है। यह सब कृपा पात्र, यह सब इन सब जो भी हमारी सेवाएं हैं इसका फलस्वरूप सारा हमारा हमारी पुलिस लाइन को ही जाता है, क्योंकि जहां पर हमारे जगत भाई साहब जैसे मार्गदर्शक हों और आप जैसे सेवादार हों तो क्यों ना हम निरंतर आगे और आगे ही बढ़ते जाएं। तो लीजिए आदेश आया पीछे से, दृश्य बिल्कुल तैयार। कहने को तो हमारी लीला का इतना बखान है कि हम कहते कहते थक जाएं, ये सब आपके ही फलस्वरूप और आपके ही आशीर्वाद से है। तो लीजिए लीला का अगला दृश्य बिल्कुल तैयार, एक बार जोरदार जयकारा, बोल गजानंद गणपति महाराज की जय। जय दिन ते हर गढ़ वही आए, जय दिन ते जय, हेलो हेलो, जय दिन ते हर घर वही आए, जय दिन ते हर घर वही आए, सकल लोक सुख समुपति। महाराजा दशरथ की, महाराजा दशरथ की, महाराजा दशरथ की। मंत्रीवर, हमारे राज्य में सब कुछ ठीक ठाक तो है? हाँ महाराज, सब कुछ ठीक ठाक है। प्रजा में किसी को कोई दुख तो नहीं है? नहीं महाराज, नहीं, बहुत कोई दुख नहीं है, सब कुशल से हैं। बहुत अच्छे। कोई विशेष समाचार है? नहीं महाराज। ठीक है, महाराज की जय हो। आओ दासी आओ, कहो कैसे आना हुआ? बधाई हो, बधाई।
आज कौशल्य माता ने एक पुत्र को जन्म दिया। क्या कहा? हाँ महाराज, कौशल्य ने पुत्र को जन्म दिया है। हाँ महाराज, हो दासी, मैं तो धन्य हो गया। आज आज मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। लो धन्य हो, धन्य हो प्रभु, तुम धन्य हो। नामित ते हरि प्रीता मध्य दिवस यत सीतन घामा पावल काल लोक विश्राम सीतल मलदा सुकल सीतल मलदा सुरभि महाराज की जय हो। कहो दासी, कैसे आना हुआ? महाराज बधाई हो, बधाई हो। महाराज आपके घर में एक और पुत्र आया है। क्या कहा? हाँ महाराज, हाँ, रानी केकई ने एक पुत्र को जन्म दिया है। वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। रानी, मुझे रानी केकई ने इतना सुंदर समाचार दिया है। लो दासी, लो, खुशी मनाओ। भय प्रकट कृपाला दिन दाला कौशल्या हितकारी हरषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन कन श्यामा दादिंदिंदा लो लोचन अभिरामा। महाराज की जय हो। कहो दासी, क्या समाचार लाई हो? महाराज बधाई हो, बधाई। पहले रानी कौशल्या ने, फिर केकई ने पुत्र और आपका पुत्र दिए, और अब रानी सुमित्रा ने दो दो पुत्र को जन्म दिया है। क्या कहा? हाँ महाराज, हाँ, दशरथ, आज तू तो धन्य हो गया, धन्य हो गया। एक साथ चार चार पुत्र, चार पुत्र, चार पुत्र। रानी, रानी के दशरथ पुत्र जन्म लो, दासी लो, सुनी खुशी मनाओ। मानहु ब्रह्मानंद समा समा मंत्रीवर, जाओ और नगर में घी के दिए जलाओ, दिए जलाओ, गरीबों को वस्त्र बांटो, आभूषण बांटो। आज कोई भी घर अंधेरे में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। आज हर घर में दिवाली बननी चाहिए। आज मुझे चार चार पुत्रों का सौभाग्य हुआ है। जाओ मंत्रीवर, जाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। महाराज एक बार जोरदार जयकारा बोल गणपति, गणपति महाराज की। तो जैसा कि हमारे व्यास जी कह रहे थे, पायो जी, मैं
राम रतन घन पायो। जी हाँ, अब लीला पर भगवान ने इस धरती पर अवतार ले लिया है और अयोध्या नरेश दशरथ जी अपने कुलगुरु जी के पास जाएंगे और अपने चारों बच्चों का नामकरण संस्कार अपने गुरु द्वारा करवाएंगे। कुछ सहयोगकर्ताओं ने हमारी लीला को सहयोग करा है। हमारे प्रधान श्री प्रवीण सेठिया जी ने 1100 रुपए का सहयोग हमारी लीला को दिया है। वंशिका और वरांश जी ने 31 रुपए का सहयोग हमारी लीला को दिया है। कुलदीप जी जो हमारे कर्मठकारी करता मुख्य द्वार पर बैठे हैं 101 रुपए का सहयोग हमारी लीला को देते हैं। हमारे कर्मठकारी करता, हमारे सहयोगी और हमारे छोटे भाई प्रभाकर जी 2100 रुपए का सहयोग हमारी लीला को देते हैं। और साथ ही पंडाल में बैठे हुए दर्शकों से अनुरोध भी करूंगा कि कुछ सहयोग लीला के कलाकारों के लिए और इतना जो विशाल पंडाल लगाया है, जो हमारे मट्टू भैया हैं 10वें दिन हमारे घर पर स्टैंड का खर्चा मांगने आ जाएंगे, और थोड़ा सा उनका ख्याल करना। थोड़ा हमारे म्यूजिशियन जो बैठे हैं ये भी 10वें दिन हमारे घर पहुंच जाएंगे, थोड़ा इनका और थोड़े हमारे नरेंद्र भाई साहब और जो कैमरे वाले भाई साहब हैं। तो सहयोगकर्ताओं से निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा सहयोग थोड़ा थोड़ा करके हमें देते रहें, धन्यवाद। तो लीला का अगला दृश्य बिल्कुल तैयार, और जो पीछे मेरे भाई बैठे हैं इनसे अनुरोध करूंगा थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस, जी हाँ थोड़ा सा उचित दूरी बनाए रखें, क्योंकि इस लीला के जो कहते हैं ना वॉलेंटियर्स और सहयोगकर्ता, और तुम ही हो माता तुम ही हो पिता, जी हाँ, तो इस लीला के सब कुछ करणधार जो हमारे पीछे छोटे छोटे भाई हैं वही हैं। तो आपसे अनुरोध करूंगा, ये लीला भी आपकी है, ये पंडाल भी आपका है और ये परिवार भी आपका है, तो हमें सबका ध्यान रखना है। इसलिए उचित दूरी बनाए रखें ताकि हमारे बीच जो हमारे क्षेत्र के SDM साहब की तरफ से नोडल अफसर भाई साहब यहाँ बैठे हैं, उनको यहाँ से जाने के बाद सांझ को या रात को तत्काल ही उनको रिपोर्ट देनी है। और हमारे जो वीडियोग्राफर भाई साहब बैठे हैं ये भी आपको देख रहे हैं, इसलिए उनसे अनुरोध करूंगा कि वे उचित दूरी बनाए रखें। तो लीजिए दृश्य बिल्कुल तैयार, एक बार जोरदार जयकारा, बोल गणपति महाराज की। सुरुदन परम प्रिय वाणी संभव चलिया, जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अबालक जी मेरे सतगुरु, वस्तु अबालक सतगुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूजी पायो, जन्म जन्म सब
आप ही की कृपा का असर है जो भगवान ने मुझे चार पुत्र दिए। कृपया आप इनका नामकरण करें। हे राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो। भगवान ने तुम्हें अलौकिक पुत्र रतन दिए हैं। इनका नाम भी अनेक और अपमान रहित होगा। फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ विचार कर कहता हूं। ये आनंद के समुद्र और सृष्टि के प्रत्येक नागरिक में भ्रमण करते हैं। इनका नाम राम होना उचित है। और ये जो जगत का पोषण ग्रहण करने वाले, इनका नाम व्रत होना उचित है। और जो अच्छे लक्षणों के लिए स्थान और राम के प्यारे हैं, इनका नाम लक्ष्मण प्रसिद्ध होना चाहिए। बहुत सुंदर। और यह जिनके सारण करने से ही शत्रुओं का नाश होता है, इनका नाम शत्रुघ्न होना चाहिए। धरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व नृप तब सुत चारी सुत चारी धरे नाम गुरु वशिष्ठ बिचारी धरे हरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व तब सुत चारी मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा बाल के ली रस तेहि सुख माना मुनि जन जन तर बस शिव प्राण बाल के ली रस तेहि सुत माना बारहित निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण लक्ष्मण राम चरण रति मानी नाम करण जिनके नाम अनेक अनूप मैंने पे कहब सुमिति अनुरूप जो सुख धाम राम असिनामा सुख धाम राम असिनामा अखिल लोक दायक विश्रामा अखिल लोक दायक विश्रामा। देखिए कितने मधुर और मन को मोह लेने वाला संगीत हमारे मिथिला से आए हुए अनिल झा द्वारा हमारे तक पहुंचाया जा रहा है।
विश्रामा, लास्ट का शब्द इन्होंने बोला, अंतिम शब्द विश्रामा, क्योंकि वह शुरू ही वहीं से होता है, राम और विश्राम। कहा गया है ना, जो शब्द पृथ्वी गोल है, इसी प्रकार जो काम शुरू करोगे उसका अंत भी है। शुरू करने वाले ही प्रभु राम हैं और अंत करने वाले भी, विश्राम देने वाले भी प्रभु श्री राम हैं। यह सुंदर सुंदर वचन हमारे अनिल झा जी द्वारा हमारे पंडाल में प्रस्तुत। धन्यवाद अनिल झा जी, और उनके साथ संगीत में हमारे जैक्सन भाई और टिटू भैया जी, हमारे बीच मेरे छोटे भाई और हमारे पुलिस परिवार से ही बड़ी दूर पालम से हमारे बीच ही पले बड़े और आज दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर तैनात पालम से आए हैं हमारे दोस्त मेरे छोटे भाई कृष्ण कुमार यादव जी। जी हाँ, कृष्ण कुमार यादव जी जो पालम से हमारी लीला को देखने के लिए आए हैं इसी मंच से और हमारे ही बीच हमारी पुलिस लाइन में पले बड़े, उन्होंने 11,000 रुपये का सहयोग हमारी लीला को दिया है। मैं अपने छोटे भाई और पुलिस परिवार में उप निरीक्षक के पद पर तैनात कृष्ण कुमार यादव जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही नमन जी ने 101 रुपये का सहयोग हमारी लीला को दिया है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी मुख्य द्वार पर हमारे कुलदीप भैया बैठे हैं, उनसे एक पुलिस लाइन का ही लड़का लड़ पड़ा कि मैं मास्क नहीं पहनूंगा, और वह बच्चा भी पुलिस कॉलोनी का ही है। एक वह भी है जो यूं कह रहा है मैं मास्क नहीं पहनूंगा, और पंडाल में बैठे हुए हमारे कुलदीप भैया से अकड़ रहा है। और एक हमारे बीच हमारे छोटे भाई कृष्ण कुमार यादव जी भी हैं जो इतनी दूर से हमारी लीला को देखने आए हैं। ये सब हमारे ही संस्कार और हमारे बीच शिक्षा जो प्रभु राम देते हैं, यह वही शिक्षा का असर होता है कि वे आए और पीछे खड़े हो गए। 11,000 रुपए का सहयोग देने के बाद भी वे चुपचाप पीछे खड़े हो गए, और एक आते हैं और भैया से अकड़ते हैं। देखिए, ये सब संस्कार होते हैं और सभ्यता होती है। हम सब मास्क पहन के आए हैं, वह बिना मास्क का आया और कुलदीप से अकड़ पड़ा, ये अच्छी बात नहीं है। इस लीला को, इस समाज को हम सभी का सहयोग की जरूरत है। अगर आप नहीं पहनेंगे, हम नहीं पहनेंगे, तो ये समाज और ज़्यादा बिगड़ता जाएगा, और ज़्यादा प्रदूषित होता जाएगा, और ज़्यादा अस्वस्थ हो जाएगा। इसलिए हम सभी की ड्यूटी पड़ती है, हम सब की जिम्मेवारी है कि हम सब दूसरों को ना कहें, हम सब स्वयं ही उस कार्य को करें, उस दिशा निर्देश को अपनाएं जो इस समय पूरे विश्व में COVID-19 के द्वारा इस पूरे विश्व में एक महामारी छाई हुई है। तो अनुरोध करूंगा पंडाल में आए हुए सभी भक्तगणों से कि वे मास्क पहन के आए। अगर किसी कारण मास्क नहीं पहन के आते हैं तो हमारे वॉलंटियर्स या हमारे प्रधान प्रवीण सेठिया जी के पास मास्क पड़े हैं, सैनिटाइजर भी हैं, आप उनसे ले लीजिए। कृपया कर उनसे, हमारे वॉलंटियर्स हैं व दिल्ली नागरिक सुरक्षा के जो हमारे यहाँ बीच हमारे भाई हैं, उनसे ना अकड़े, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारी पुलिस लाइन की सभ्यता को और हमारे शिक्षा को और हमारे परिवार को ही दूषित करता है। तो लीजिए लीला का अगला दृश्य बिल्कुल तैयार, जहां पर गुरु वशिष्ठ जी ने महाराजा दशरथ के चारों बच्चों का नामकरण कर दिया है और सभी का नाम रख दिया है। कहा गया है कि प्रभु जो सबसे बड़े बेटे हैं उनका नाम राम है, जो पूरे आनंद के दाता हैं, जिनका नाम लेते ही मन और आपके मन के अंदर जो मंदिर है, क्योंकि मंदिर आपके मन में ही होता है, तो जब आपका मन है, मंदिर है, वहाँ संपूर्ण आनंद ही आनंद आ जाएगा। और उनसे छोटे वाले, उनका नाम भरत है, जिनको देखकर ही शत्रु घबरा जाएगा। और उनसे छोटे लक्ष्मण जी हैं जो स्वयं शेषनाग जी का अवतार हैं, और उनसे छोटे शत्रुघ्न हैं। कहा गया है कि रामायण में जो मुख्य मुख्य चीज है सभी ने पढ़ी, परंतु शत्रुघ्न के बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि राम जी वनवास गए, साथ लक्ष्मण जी चल दिए। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक नहीं सोए, सभी को पता है। उनके साथ उनकी पत्नी उर्मिला जी भी नहीं सोई, यह भी सभी को पता है। भरत जी वन गए
और चरण पादुका ले आए, वह चरण पादुका की पूजा करते रहे। उनके पास प्रभु के चरण पादु थे, वो उनको देख देख जीते रहे। परंतु शत्रुघ्न जी भी 14 वर्ष तक ना तो सोए और ना ही उन्होंने कोई और काज किया, वे सिर्फ प्रभु राम और भरत जी की सेवा करते रहे। तो रामायण में चारों भाइयों का अपना अपना अलग अलग त्याग है, और यही त्याग हमारे सनातन धर्म में और हमारे जो आज ये हम सब मिलकर अपनी जो धरोहर है, जो हमारे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, इनको देखे जाएंगे। तो हमें यही धरोहर अपने जो छोटे बच्चे हैं, जैसा कि हमें हमारे बड़ों ने दिया, हम इन्हें देखे जाएंगे। तो लीला का दृश्य बिल्कुल तैयार, एक बार जोरदार जयकारा, बड़ गणपति का महाराज की। तो अगली बार जयकारा लगाऊंगा भगवान श्री राम जी का, क्योंकि उनका भी अवतार धरती पर हो चुका है। तो लीला का अगला दृश्य बिल्कुल तैयार। भैया सुबाहू भैया सुबाहू, क्या तुम जानते हो कि महाराज लंकेश ने हमें यह साम्राज्य क्यों दिया है? क्यों नहीं, अच्छी तरह जानता हूं। बहुत खूब, यदि नहीं जानते तो सुनो, और मंत्रियों तुम भी सुनो, जहां तक हमारा साम्राज्य है, कोई भी हवन यज्ञ प्रेम भोज नहीं होना चाहिए। यदि कोई हवन करे तो उसके हवन कुंड में लहू लहू डाल दो, बजरा डाल दो, केवल आतंक आतंक केवल आतंक। भैया सुबाहू, वो देखो सामने कहीं धुआं नजर आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कोई हवन कर रहा है। असंभव, हमारे राज्य में हवन असंभव। चलो चलो चलकर देखते हैं। अति मारिच सुभाव करहि, जहाँ जग जग जप मुनि करहि, जप मुनि करहि अति मारिच सुभाव ही डर। अति मारिच सुभाव ही डर। मानव जीवन में जब कभी भी संसार के ऊपर राक्षसों का उपद्रव होता है तो सबसे पहले संत दुखी होते हैं, और इस बात को विश्वामित्र जी अपने हृदय में स्थापित किए और
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। स्वाहा। ओम 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 त्र्यंबकम् जगामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकम् मृत्युर्मुक्ति मामृत। स्वाहा। विस्तार जाने बस ही विपिन सुफिया बस ही विपिन सुफिया देखा जाके
पाप साधुओं को भी तंग करने लगे, ऋषियों और मुनियों का यज्ञ भी भंग करने लगे। क्या है इस कदर पखंड का व्यवहार इस दुनिया में? हुई कथन से प्रजा व्याकुल सारी, अब साधु संतों की भी आन लगी बारी। भगवान का अवतारी रूप दुष्टों का हनन और साधुओं की सेवा के लिए हुआ है, तो शीघ्र यही है मैं महाराज दशरथ के पास जाकर भगवान राम और लक्ष्मण को मांग लाऊं, उनसे मिलकर मैं कृतार्थ भी हो जाऊंगा और इन दुष्टों का हनन भी हो जाएगा। गाधी तन मन चिंता व्यापी, जा बुढ़े जा, किसे बुलाकर लाता है? देखेंगे तेरे उन हिमायतियों को जिनके पास तू जा रहा है, जा रहा है। सुबह खटखटाता हूँ, महाराज दशरथ को अपना दुख सुनाता हूँ। मिटेगी मन की चिंता और धर्म का उपकार भी होगा, दुष्टों का हनन और धन का उद्धार भी होगा। ऐसा ही होना चाहिए, कोई यज्ञ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई ब्रह्म भोज नहीं। विश्वामित्र जी राजा दशरथ के दरबार में चल रहे हैं प्रस्थान किए और मन में इस प्रकार की अभिलाषा लेकर जा रहे हैं, क्या ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में दे कब भरी नैना, सो प्रभु एक बार जोरदार जयकारा बोल, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। देखिए जय श्री राम जनमानस कल्याण समिति द्वारा इतना सुंदर भव्य पंडाल आपके सहयोग से, आपके प्यार से, और प्रभु श्री राम जी ने धरती पर अवतार भी ले लिया है, और अभी हमारे आचार्य जिन्हें बड़ा सुंदर वचन कहे, मिटेगी मन की चिंता और जन का उद्धार भी होगा। प्रभु ने अपना जन्म इसी कारण लिया कि जन जन का उद्धार हो और सबके मन की चिंता भी प्रभु ही हर लेंगे। धन्यवाद व्यास जी, आपके मुखारविंद से इतने सुंदर सुंदर वचन हमें
सुनाई पड़ रहे हैं। और हमारे बीच क्षेत्र के अध्यक्ष, क्षेत्र के एमएलए, जो हमारे क्षेत्र के एमएलए हैं, उनके छोटे भाई बंसी त्रिपाठी जी भी हमारे बीच आए हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही क्षेत्र की महिला अध्यक्ष श्रीमती राखी आनंद जी भी हमारे बीच हैं। मैं समस्त पुलिस लाइन निवासियों की ओर से राखी मैडम जी का भी धन्यवाद देता हूं। और राखी मैडम जी ने 1100 रुपए का सहयोग हमारी लीला को दिया है, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देता हूं। तो देखा आपने किस तरह लीला में कितना सुंदर मंचन आपको दिखाया गया कि ऋषि विश्वामित्र जी अपना तप कर रहे हैं और किस तरह सुभाव और मारिच नाम के राक्षस आते हैं और उनके हवन कुंड में मांस मदिरा व हड्डियां डालते हैं और उनको किस प्रकार तंग करते हैं और अपनी याचना अपनी व्यथा लेकर गुरु विश्वामित्र जी अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पास जाते हैं। यह सुंदर दृश्य जय श्री राम जनमानस कल्याण समिति द्वारा और उनके मजे हुए कलाकारों द्वारा आपके सम्मुख दर्शाया गया। मैं पंडाल में बैठे हमारे भक्त जनों से भी अनुरोध करूंगा, जैसा कि मैं बार बार कहता आ रहा हूं, थोड़ा सा उचित दूरी बनाए रखें। बस कुछ ही समय के बाद लीला में चाची ताड़का का दृश्य आने वाला है और बड़ा ही भयानक दृश्य है, तो जो जहां बैठा है वो वहीं बैठा रहे, ऐसा ना हो कि वे अपनी अपनी कुर्सियों से उठें। और माताओं और बहनें जो हमारे बीच बैठे हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे अपने बच्चों को उचित दूरी बनाकर बैठाएं। तो एक बार जोरदार जयकारा, बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। धन्यवाद। मुनि बहुविधि करत मनोरथ जन, मुनि नाथ मन सुना जब राजा, जब राजा मिलन चले गए सैंत समाज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की, विश्वामित्र महाराज की आगमन की सूचना मिला है प्रभु। तू ही रक्षक, तू ही पालक, तू ही कर्ता और धर्ता, तेरे आधार पर चलता है सब व्यवहार दुनिया का, सदा ही तू ही संकट का मोचनहार है दुनिया का, किया है आज तक तूने ही बस उपकार दुनिया का, तू ही दुख दर्द का नाशक है, तू ही तीनों का पालक है, तू ही है आस निर्बल की, तू ही प्राणों का रक्षक है। सत्य कहा महाराज। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या संदेश लाए हो? महाराज, महर्षि विश्वामित्र जी द्वार पर पधारे हैं। क्या कहा? महर्षि विश्वामित्र जी आए हैं? जी हाँ महाराज। जाओ मंत्री जी, शीघ्र जाओ और उनको आदर सहित दरबार में लेकर आओ। जो आ गया महाराज। सुना जब राजा
महाराज के चरणों में दशरथ का प्रणाम। चिरंजीवी रहो पुत्र, कल्याण हो। कहिए महाराज, सेवक के लिए कुछ सेवा बताइए। राजन, तुम जानते ही हो हम सन्यासी हैं, वनों में अपना जीवन बिताते हैं। निर्जन स्थान और पर्वतों कंदराओं में जाकर यज्ञ और हवन करते हैं, पर राजन सबाहु मारी जैसे राक्षस वहां आकर हमारे सारे यज्ञ भस्म कर डालते हैं, और कभी कभी तो हमारे यज्ञ हवन में मदिरा मांस भी डाल जाते हैं। बस ऋषिवर बस, अब सहा नहीं जाता, अन्यायियों का पाप अब नहीं सुना जाता। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि आपके हित के लिए हर उचित काम करूंगा, उन दुष्टों का अंत करके ही आनंद लूंगा, यह मेरा कर्तव्य है। पहले ऋषि की आन का रक्षा करूंगा, प्राण देकर भी आपकी मार्ग दर्शन करूंगा। धन्य हो तुम राजन, संसार को तुम जैसे ही रघुवंशी राजा जैसे की जरूरत है, परंतु इस कार्य के लिए मुझे सिर्फ आपके पुत्र राम और लक्ष्मण ही चाहिए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, राम देत नहीं बनई गुसा, सब सुत सबसुत प्रिया मोहे प्राण समाना, राम देते नहीं। क्यों चुप क्यों हो गए? क्या रघुकुल नीति इसी प्रकार निभाओगे? क्या सूर्य वंश के सूर्य ने प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़ लिया है? आखिर क्या कारण है, तुम बोलते क्यों नहीं? महाराज, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, असो मुनि देव निमिष एक माही। क्या बात है, हम विनती कर रहे हैं पर आप टाले जा रहे हैं। ऋषिराज, आप क्या कहने लगे, जरा जरा विचार तो कर लीजिए। उन बालकों को देखकर कुछ तो विचार करिए। रामलाल और लक्ष्मण अभी तो छोटे छोटे सीधे बालक हैं, वह उन राक्षसों को कैसे देखेंगे, और यदि देखेंगे तो वह तो डर जाएंगे। वह उन राक्षसों का सामना कैसे करेंगे, कुछ तो सोचिए महाराज। कहानी सिचारी अति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत दो मोरा। फिर भाई बात, फिर भाई कायरता, क्या सूर्य वंश की ऋषि इसी प्रकार निभाओगे? क्या ममता और मुंह में फंसकर संसार में यश पाना चाहते हो? गुरु सेवा और धन से क्या गुरु सेवा का झूठा ही अंडा मारा चाहा है? बस बस राजन, रहने दो। क्षमा क्षमा ऋषि जी क्षमा। बस राजन,
बस सतयुग बीत गया, धर्म और संत सेवा का समय अब कहां रहा। परंतु अब तो केवल नाम के ही राजा रह गए हैं। ठहरिए महात्मा, जरा ठहरिए। राजा पुत्र मोह के वश में आकर आप अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। राजन यह समय मोह में पड़ने का नहीं है, बल्कि विश्वामित्र को अपने द्वार से निराश ना जाने दीजिए। जिस प्रकार हो सके इनकी इच्छा को पूर्ण कीजिए। अच्छा गुरुदेव, अब आप कह रहे हैं तो मैं सुमंत को कहकर राम और लक्ष्मण को बुलाता हूं। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा निपसंद नाश करावा, निपसंद नाश करावा। सुमंत जी जाइए, जाइए और राम लक्ष्मण को यहां लेकर आइए। अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, फिर आदर दो अति आदर दो तनय बुलाए, 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 फिर दलाई बहु भाति सिखाए, फिर दलाई बहु भाति सिखाए, अति आदर दो तनय बुलाए, फिर दलाई बहु भाति सिखाए, फिर दलाई बहु जी के चरणों में राम और लक्ष्मण का प्रणाम। इधर जीव रहो पुत्रों, आओ। गुरुवर के चरणों में राम और लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। चिरंजीवी रहो पुत्र, कल्याण हो। बेटा अब कुछ समय के लिए ऋषि राज जी के संग चले जाओ और यह जो आज्ञा दे सच्चे मन से स्वीकार करो। लीजिए महन जी, मैं आपको अपने दो रत्न सौंपता हूं। आपको यह अर्पण है, मेरी उम्र भर की जो कमाई है बड़ी मुश्किल ने ईश्वर ने यह युक्ति दिखाई है। मेरे प्राण नाथ दो प्रभु जी, सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं।
को तुम मुनि पिता आने नहीं को। राम लक्ष्मण तुम मुनि पिता और मुनिवर जो आज्ञा दे उनकी हर आज्ञा का पालन करो। इनके साथ चलकर तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो आज्ञा पिताजी। सो पे भूपिर सिंह सुत बाहु विधि का ध्यान रखिएगा। निश्चित रहो राजन कल्याण हो। पुरुष सिंधु दो मेरे हरसी चले मुनि भय हर न दादिन दिन एक बार सभी जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। अभी आपने देखा महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्र प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र को सौंपा का जो बुराई का अंत करेंगे। बुराई का अंत करने के लिए यहां से प्रारंभ होती है प्रभु की लीला। तो आए इस बीच हमारे बीच में इसी पुलिस लाइन में इसी मंच पर अभिनय करने वाले जिन्होंने राम का रोल इस मंच पर निभाया था सब इंस्पेक्टर कृष्ण उनसे अनुरोध मंच पर आए। अच्छा अच्छा। और उसके साथ ही शालीमार गार्डन से मेरे भांजे माइटी की सासू माँ और दादी सास वो भी आ जाए जिन्होंने 2500 रुपये जो शालीमार गार्डन से यहाँ प्रभु श्री राम जी की लीला का अवलोकन करने के लिए आए हैं। आ जाओ समदन जी, आ जाओ भी आ जाओ।
सौरभ की मम्मी, सौरभ की माताजी, जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनकी माताजी, वो भी मंच पे आ जाएं। इसके अलावा वो प्रवीण सैतिया जी, मोनू भाई, पवन जी, कृष्ण ने जैसे कोविड में जो हमारी समिति ने सहयोग किया, उसमें हर वर्ष अपना सहयोग ये देते रहते हैं। इनका भी यही ध्येय कि ये रामलीला आगे बढ़े, और अपना सहयोग जब भी मैं इन्हें फोन से बताता हूँ तो ये फौरन पेटीएम, गूगल के माध्यम से समिति के खाते में अपनी सहयोग राशि डाल देते हैं। एसआई कृष्ण जी आगे आ जाएं, और इस वर्ष भी 11,000 रुपये हमारी रामलीला को सहयोग दिया है, और प्रभु से प्रार्थना किसी प्रकार ये भविष्य में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहे। मैं सैत्य जी से अनुरोध करूंगा वो कैलेंडर भेंट करें भाई कृष्ण जी को। इस वर्ष का हमारा ये कैलेंडर है, और उन सभी जो पुलिस लाइन के निवासी हैं, जिन्होंने कोरोना काल में जो 1500 जरूरतमंदों के लिए रोजाना भोजन व्यवस्था की जाती थी, उसमें अपने घरों से सहयोग भिजवाया, उनके घरों में भी ये कैलेंडर भिजवाए जाएंगे या मंच पर ही उनका सम्मान किया जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए कृष्ण जी के लिए। और सौरभ की माता जी, सौरभ की माता जी ये कैलेंडर भेंट करेंगे। एक बार ताली बजा देने के लिए, बहुत दूर से हमारे बीच आए हैं प्रभु श्री राम जी की लीला का अवलोकन करने के लिए और हमें सहयोग देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रकाश जी धन्यवाद, मेरे छोटे भाई, हमारे पुलिस परिवार से जुड़े हुए कृष्ण कुमार यादव जी, जो पालम से हमारे बीच हमारी लीला को देखने आए, और साथ ही धन्यवाद इतनी बुजुर्ग हमारी माता जी, जो जमुना पार से हमारे बीच हमारे लीला को देखने आए। और जैसा अभी व्यास जी ने कहा, राम लखन दो भाई विश्वामित्र संग चले सुंदर अति मन भाई। जी हाँ महाराज, दशरथ जी सोच रहे हैं कि मेरे हृदय के दोनों टुकड़े आज विश्वामित्र जी ले जा रहे हैं, परंतु उनको यही नहीं पता कि ये सब माया है, ये सब मोह है, क्योंकि भगवान श्री राम जी का अवतार इस धरती पर पाप और अधर्म को मिटाने के लिए और अधर्म का इस धरती से विनाश करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है धरती को दुष्टों से हीन करूंगा। जी हाँ, अगर हमारे मन में और हमारे कर्मों में दुष्ट कर्म होंगे तो हम भी दुष्ट ही श्रेणी में आते हैं। तो ये बड़े ही सुंदर वचन हमारे व्यास जी ने कहा, राम लखन दो भाई विश्वामित्र संग चले। श्याम गौर सुंदर दो भाई। धन्यवाद व्यास जी। और आज बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि दूर दूर से हमारे बीच हमारे पंडाल में भव्य इतने सज्जन भक्त आए हैं। राहुल जी, भैया भैया भैया, तो हमें अच्छा लग रहा है कि हमारी लीला, जैसा कि मेरे बड़े भाई जगत भाई साहब बता रहे थे कि प्रथम दिन ही हमें 1500 सब्सक्राइबर यानी 1500 लोगों ने हमें देखा, पता नहीं कहां कहां से लोग हमें देख रहे हैं, और बहुत ही अच्छा हमें उसका फल मिल रहा है। हमारी लीला दिन प्रतिदिन आपके सहयोग से, आपके प्रेम से दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यह लीला अगर कोई यहाँ पुराने लोग रहते हों तो जानते होंगे कि यह जो हमारा स्टेज है, हमारा मंच है, ये पिछले साल किस दिशा में था। अगर आज देखेंगे तो ये पूरा स्टेज कोटा पत्थर का बनाया गया है। जी हाँ, कोटा पत्थर का बनाया गया है। ये भी हमारे बड़े भाई जगत प्रकाश जी के बड़े ही
प्रयासों द्वारा इस पार्क का बहुत ही सुंदर निर्माण होने जा रहा है। उन्होंने ना केवल इस पार्क को पार्क समझा, अपितु इस पार्क को एक मंदिर के समान उन्होंने हर वर्ष, और उनके मन में यही रहता है कि किस प्रकार हम इस पुलिस कॉलोनी को सुंदर और अच्छा और सुंदर वातावरण दे सकें। तो इस सुंदर वातावरण को देने के लिए भी आप सबका उतना ही सहयोग चाहिए। तो लीजिए, आज बात भगवान प्रभु राम जी की हो रही है, तो विश्वामित्र जी भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी को अपने साथ वनों में ले गए हैं, जहां उन्होंने जिस कारण से प्रभु श्री राम जी का अवतार इस धरती पर हुआ, दुष्टों का वध करने के लिए, उस कार्य के लिए, उस माध्यम का जो माध्यम है वो विश्वामित्र जी है, लेकिन विश्वामित्र जी सिर्फ माध्यम है। तो लीजिए अगला दृश्य, बिल्कुल तैयार, एक बार जोरदार जयकारा, बोल सियावर रामचंद्र की जय। अरुण दिन दिन दादा दिन दिन दादा अरुण नयन उर बाहु विशाला नील जलज तन श्याम तमाला अरुण नयन उर बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला ए प्रभु ब्रह्मना जग मैं जाना प्रभु ब्रह्मना विश्वामित्र जी मन में यह भावना लेकर के जा रहे हैं। जानते हैं विश्वामित्र जी को देख करके राजा दशरथ जी क्यों घबराए? क्योंकि इससे पहले भी विश्वामित्र जी इसी खानदान में आए थे राजा हरिश्चंद्र के समय में, और उसी राजा हरिश्चंद्र के समय में की बात को राजा दशरथ जी सोच करके घबराए और वशिष्ठ मुनि ने उनकी घबराहट को नाश किए। कटि पित पीता कत बर भाथा श्याम गौर सुंदर दो भाई श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महान दीपाई विश्वामित्र महान दीपाई भगवान ने अपने मुझे ब्रह्मण के लिए अपने माता पिता का त्याग कर दिए, यही रास्ते में सोचते हुए राम और लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हैं। प्रभु ब्रह्मण राधि दिलना राधि दिलना राधि दिलना राधि दिलना राधि दिलना राधि दिलना प्रभु ब्रह्म मोहिनी पिता तजे भगवान
कविराज, यह कैसा स्थान है? बेटा, यह भयंकर वन राक्षसों का स्थान है। वहां पर ताड़का नाम की एक भयानक राक्षसी रहती है, जिसके द्वारा ऋषि समाज बड़े कष्ट में है। उसका क्या वृत्तांत है प्रभु? हे संघ, सकेतु यक्ष एक परम भक्त थे। उन्होंने ब्रह्मा जी का घोर तप किया और जब ब्रह्मा जी खुश होकर प्रकट हुए तो यकेतु यक्ष ने यह वरदान मांगा कि मुझको एक पुत्री का जन्म हो, तो चंडिका का ताड़का का जन्म हुआ। वही ताड़का जब बड़ी हुई तो एक ऋषि मुनि ने उसके पिताजी को शराब से पसंद कर दिया और ताड़का उस ऋषि राज के पास दौड़ते हुए गई और उनका यज्ञ पसंद कर दिया। तो ऋषि मुनि ने उन्हें शराब दिया कि तू यहीं राक्षसी बनकर रह जाएगी जब से वह हम ऋषियों को सताती है। मुनिराज, यह तो अच्छा हुआ। ऋषियों को सताने के लिए ऐसा ही फल मिलना चाहिए। बेटा राम, आप सावधान हो जाओ, मैं यज्ञ करता हूं, अपना ध्यान रखना। गुरुदेव, आप पूर्ण तप यज्ञ कीजिए। निश्चय ही यदि वो आज यहां आएगी तो अपने प्राण से हाथ धो। मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद है पुत्र। गुरुदेव, अब हमें आज्ञा दीजिए, आप यज्ञ कीजिए। चले जाते मुनि दिल ही दिखाई, सुन तारिका
देखने में अति सुंदर लगता है यह कौन है, लेकिन मैं तो इसको खाऊंगा।
अभी हमें विश्राम नहीं लेना, ये तो उसकी माया है। अभी हमें और सचेत होके रहना पड़ेगा। Thank you.
प्रकार है। चलो चलो से उठी है कब्र से
मैं तेरा शिकार करूंगी। बच्चे बड़ों से भी खतरनाक होते हैं। ओ नादान बालक, तू मुझे जानता नहीं, मैं ताड़का हूँ, ये मेरा साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य। मेरे साम्राज्य में मैं किसी दूसरे को पसंद नहीं करती। यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, मेरा निभाना बनना पड़ेगा। भगवान श्री राम चंद्र जय। देखिए अंतिम दृश्य है भगवान श्री राम जी की का विवाह, और देख के जाइए, सभी से अनुरोध है। और ये हमारे जो यहाँ ताड़का का रोल कर रहे थे रोहन, बहुत ही उभरते हुए कलाकार, इससे पहले इन्होंने दशरथ का भी रोल अभी मंच से किया, और दृश्य बिल्कुल तैयार। सभी से अनुरोध कि मात्र 10 मिनट का समय और दीजिए हमें, जिसके बाद हमारा दृश्य बिल्कुल तैयार। तो लीजिए दृश्य बिल्कुल तैयार, एक बार जोरदार जयकारा, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखिया लरी की लरी रह गई देख कर, देख कर राम जी को जनक नंदन, देख कर राम जी को जनक नंदन, बाग में यूं खरी की खरी रह गई, बाग में के बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। पूरे नर नारी सुभग सुचि संतान, पूरे नर नारी सुभग सुचि संतान, पूरे नर नारी
नहीं भ्राता, बताओ क्या समाचार है? सुना है मारीज, दो राजकुमारों ने चाची ताड़का का वध कर दिया। क्या कहा? चाची मारी गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कितनी सच्चाई है। प्रात कहा मुनि साना रघुराई। चलो भैया चलो, मेरे भाई जाग करो, छोड़ेंगे नहीं। हो मैं करने ला के मुनि हो मैं कराना ला के मुनि धारी अपुर सावधान हो जाओ, तड़का का पुत्र सुनाओ और उसका जाती मारी आक्रमण करने आते ही होंगे। वो देखो आ रहे हैं। आदेश, जिस तरह हमने तड़का का नाश किया है उसी तरह इनका भी संहार होगा। आप यज्ञ कीजिए पुरवर। क्या कहा? तड़का का वध कर दिया। तुम नन्हे बालकों ने चाची तड़का का वध कर दिया। अब तुम यहां से जीवित नहीं जाओगे। भैया मारी बिनु भाई
हमारी भैया लगता है ये दोनों कोई अवतार है। अब मुझे यहां से भागकर अपनी जान बचानी होगी। विनु सर्वन राम तही मारा तो यहाँ से तुरंत भाग जा, अन्यथा तुझे भी अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। विनु सर्वन विनु सर विनु सर हे विनु सर्वन राम तही मारा सत जो जनगा सागर पारा पावक सर सुबाहु पुनि भरा पावक सर सुबाहु पुनि मारा अनुज निसाचर कटकु संघारा मारी मारी असुरी दिज निर्भय करई मारी असुर निज दुर्भय करी स्तुति करही देव मुनि झार स्तुति करही देव मुनि झार। और जितने भी भक्तजन यहाँ पर उपस्थित हैं वो प्रसाद ग्रहण करके ही जाए आरती के बाद। स्तुति करही देव मुनि झारी स्तुति करही देव मुनि हेलो। एक बार जोरदार जयकारा बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चंद्र की। पंडाल में मौजूद भक्तों से अनुरोध आरती के बाद व्रत वाला प्रसाद अवश्य लेके जाएं और अगला दिन से आरती बिल्कुल तैयार। और हमारे जो यहाँ आम आदमी पार्टी से महिला अध्यक्ष हैं राखी जी 1100 रुपये का सहयोग हमारी कमेटी को देते हैं। कमल 51 रुपये का सहयोग हमारी कमेटी को देते हैं। पीयूष 101 रुपये का सहयोग हमारी कमेटी को देते हैं। मैं इन सभी सहयोगकर्ताओं का अपनी कमेटी की ओर से अपने समस्त पात्रों की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये समय समय पर हमें इसी प्रकार सहयोग देते रहते हैं और देते रहे। तो लीजिए अंतिम दृश्य आरती और उसके बाद माता के पंडाल से व्रत वाला प्रसाद लेकर सुख शांति से अपने अपने घरों की ओर हम प्रस्थान करेंगे। तो लीजिए नरेंद्र भाई आरती चला दीजिए। जो ढाबे फल पावे दुख भी नहीं।
सदगुरु श्री हनुमते नमः। जय श्री राम, जय माता की। आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा सत सत नमन। हमारी जय श्री राम जनमानस कल्याण समिति जो न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप दिल्ली में स्थित है, हमारे समिति के सदस्यों का ध्येय जन कल्याण करना है। जैसा समिति के नाम से विदित है, जय श्री राम जनमानस कल्याण समिति। जन कल्याण के कार्य जो संपूर्ण होते हैं संगीत में सुंदरकांड पाठ जो हमारे समिति के सदस्य निःशुल्क करते हैं, जिसमें जो भी समिति के सदस्य पाठ में सम्मिलित होते हैं वो इस पाठ से एक भी पैसा नहीं कमाते, निःशुल्क सेवा करते हैं। हमारे समिति संगीत में सुंदरकांड पाठ के केवल गाड़ी, म्यूजिशियन और साउंड का किराया ही लेती है। इसके अलावा जो भी राशि हमें बचती है वो जन कल्याण के कार्यों में, सनातन धर्म के उत्थान में हम लोग लगाते हैं। हर वर्ष हमारी समिति सालासर खाटू श्याम जी और श्री मेहंदीपुर धाम की पैदल यात्रा भी करती है, जो धर्म के पथ पर हमारा एक कदम है, जिससे रास्ते में मिलने वाले जनमानस प्रभावित होकर हमारे साथ सम्मिलित होते हैं। इस वर्ष 2021 में पहली बार हमारी जो यात्रा है 24 फरवरी को दिल्ली से अयोध्या तक की यात्रा होगी, और आप सभी यदि इस यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी हमारे चैनल को जिसका नाम ओम श्री सदगुरु चैनल है यूट्यूब पे उसे सब्सक्राइब करें और जन कल्याण के कार्यों में भागीदार बने। मेरा आपसे पुनः अनुरोध कि हमारे जय श्री राम जनमानस कल्याण समिति के चैनल ओम श्री सदगुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे शेयर और लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक जो हमारे कार्यकलाप हैं, जैसे इन दिनों प्रभु श्री राम जी की लीला का आयोजन न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप में हो रहा है, जिसका सीधा प्रसारण रात्रि 8 बजे से प्रभु इच्छा तक चलता है। तो पुनः आप सभी से अनुरोध कि आप भी समिति के सदस्य बने, जिसमें कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क सदस्यता है। जय श्री राम, जय माता की। ओम सद्गुरु श्री हनुमते नमः।